मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई में 150 से 200 मामले आए, जिनमें से कुछ का निराकरण करवा दिया गया और कुछ आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को दिया। वहीं देखने में आया कि एक विकलांग कई महीनों से कलेक्टर की जनसुनवाई में अपने लिए ट्राई साइकिल के लिए चक्कर लगा रहा था। जब उससे बात की तो उनका कहना था कि मुझे बैटरी वाली ट्राई साइकिल अलॉट हुई है, जो आज तक नहीं मिली। जब इसके बारे में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी राजीव सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि इसको बैटरी वाली ट्राई साइकिल मंजूर हो गई है, जो अगले महीने फरवरी में लगने वाले कैंप में इसको दी जाएगी। ग्वालियर से विनोद सोनी, जितेंद्र कैम की रिपोर्ट। बेसिकली उसको चलने फिरने में दिक्कत है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी है उसको, और उसको मतलब कि जनवरी में जो दिसंबर में जो कैंप हुआ था 19 में, उसमें उसको ऑलरेडी क्या था मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसको मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलनी है। जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैंप एलएमपो से डेट डिसाइड होता है, उसको उसके पास पर्ची है, उसको दे दिया जाएगा। आप सबके सामने 150 से ज़्यादा मामले आए हैं और सभी का सुनवाई किया गया और सभी को संबंधित शाखा को तुरंत भेजा गया, और उम्मीद की जाती है कि आम जनता है, उन आम जनता को तुरंत रिलीफ मिल पाए।